शाहरुख खान और सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान और टाइगर 3 को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन जितना क्रेज इन दोनों एक्टर्स का है उतना ही सुर्खियां इस दफा दोनों फिल्मों के विलन भी लूट रहे हैं। पठान और टाइगर 3 के लिए जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से खूब चर्चा में है। जॉन अब्राहम ने जहां पठान में शाहरुख खान से भिड़ने के लिए अपनी बॉडी थोड़ी कम की है, वहीं इमरान हाशमी टाइगर 3 के लिए इन दिनों जिम में पसीना बहाते दिखते हैं। पिछले दिनों इनकी एक फोटो वायरल हुई थी, क्योंकि पठान में शाहरुख खान के स्वैग, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए प्रोड्यूसर ने जॉन अब्राहम को लीन लुक देने का फैसला किया। शाहरुख खान और जॉन के बीच जो फाइट सीक्वेंस होंगे उनको बिलीवेबल बनाने के लिए जॉन ने अपनी बाइसेप्स कम की है। वहीं प्रोड्यूसर जॉन को बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग भी दिखाना चाहते थे। फिल्म में जॉन एक फ्रीलांस आतंकवादी के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। कोई शक नहीं कि जॉन को इस रोल में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। यशराज बैनर तले बन रहे इस फिल्म में शाहरुख खान रॉय एजेंट के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। वहीं दीपिका पादुकोण और डिंपल कबाड़िया भी अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। ये कहा जा रहा है कि फिल्म 2022 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। पठान के लिए आदित्य चोपड़ा ने 4 स्टंट डायरेक्टर लॉक किए हैं जो फिल्म के एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक्शन सीन्स में विविधता, जैसे कि मार्शल आर्ट से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बेट और चेज सीक्वेंस। दोस्तों, जहां जॉन अब्राहम ने अपनी बॉडी कम की है, वहीं दूसरी ओर इमरान हाशमी टाइगर 3 में अपने कैरेक्टर के लिए एब्स बना रहे हैं। टाइगर 3 के मेन विलेन इमरान हाशमी हैं। जी हां, लंबे समय के बाद इमरान हाशमी एक नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देंगे। एक्टर फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। रिपोर्ट्स की माने तो यशराज एक अलग चेहरे को बतौर विलेन कास्ट करना चाहते थे, जिस तरह टाइगर जिंदा है में सज्जाद डेलाफ्रूज को कास्ट किया था। लिहाजा YRF ने महसूस किया कि इमरान इस कैरेक्टर में फिट बैठेंगे, वो इंटेंस कैरेक्टर में दमदार लगते हैं। वेल, कितना दमदार होता है टाइगर 3 और पठान, विलेन बाजी मारते हैं या फिर फिल्म के हीरो? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।